केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर सरायकेला में 4 दिसंबर को मेगा स्वास्थ्य मेले का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी की सहभागिता पर दिया जोर। भ्रष्टाचार पर ईडी का कड़ा प्रहार, निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की 82 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियां अस्थायी तौर पर जब्त। खूंटी से पीएलएफआई के 5 नक्सली गिरफ्तार, आईजी पंकज कंपोज ने लोहरदगा में पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। ऑपरेशन डबल बुल की तर्ज पर फिर चल सकता है अभियान। और नवंबर में जीएसटी संग्रह रहा 1,45,000 करोड़ रुपए से अधिक, लगातार 9वें महीने मासिक जीएसटी संग्रह 1,40,000 करोड़ रुपए के पार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय दूरदराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में लगातार सहयोग कर रहा है। मंत्रालय की पहल पर झारखंड के जनजातीय बाहुल्य जिला खूंटी के बाद अब सरायकेला खरसावां में 4 दिसंबर को मेगा स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। सरायकेला खरसावां के काशी शाहू कॉलेज में 4 दिसंबर को जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिला प्रशासन और टाटा स्टील फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में मेगा स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोगों को विभिन्न तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को भी संबल मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देशवासियों से कहा है कि हर स्तर पर फिट इंडिया मूवमेंट चलना चाहिए। युवाओं को खासकर आह्वान किया है। आज जनजातीय क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैले, स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेष्ट रहे। श्री मुंडा ने बताया कि स्वास्थ्य मेले में देश के जाने माने विशेषज्ञ चिकित्सक और झारखंड के डॉक्टर एक ही परिसर में एक ही जगह पर अपनी सेवाएं देंगे तथा निःशुल्क दवा वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान वंचित लोगों को आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ा जाएगा। विशिष्ट चिकित्सक उपलब्ध होंगे और ऐसे बीमारियों के बारे में न केवल जांच होगी बल्कि उन्हें चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। जिन्हें आयुष्मान कार्ड प्राप्त नहीं हो सका है, वह भी उस स्थान पर जांच के क्रम में जानकारी लेकर उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पिछले 26 जून को जनजातीय बाहुल्य जिला खूंटी में भी हुआ था, जिसमें 60,000 से अधिक लोगों ने निबंधन कराकर स्वास्थ्य जांच कराया था। के भगवान बिरसा मुंडा के धरती में एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिस आयोजन में 60,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और स्वास्थ्य जांच कराकर स्वास्थ्य लाभ की सुविधा ली। जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने लोगों से शिविर में पहुंचकर लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि शिविर में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाने के लिए निशुल्क बस की भी व्यवस्था की गई है और किसी भी तरह का आपको टेस्टिंग हो या बेसिक ओपीडी डॉक्टर कंसल्टेशन कम्प्लीटली आपको फ्री होगा और आपको जो दवा भी जो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स वो भी दवा आपको मुफ्त में मिलेगा। दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की यह मुहिम निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि चिकित्सा सेवा के अभाव में लोग अपना इलाज नहीं करा पाते। विशेषज्ञों का भी मानना है कि बीमारी की पहचान जितनी जल्द हो उसका उपचार भी उतना ही आसान होता है। उस लिहाज से भी मेगा स्वास्थ्य मेले का आयोजन सार्थक होने जा रहा है। सरायकेला से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनरेगा घोटाला की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की 82 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर जब्त किया है। इसमें रांची में स्थित एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक चिकित्सा जांच केंद्र और 2 भूखंड शामिल हैं। श्रीमती सिंघल पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। निदेशालय ने झारखंड पुलिस और सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन मामले में जांच शुरू की थी। ईडी ने बताया कि मनरेगा घोटाले की राशि कमीशन के रूप में श्रीमती सिंघल और उनके रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई थी। ईडी ने करीब 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी दाहू यादव के ठिकानों पर छापेमारी की।
ईडी की टीम जिस समय उसके ठिकाने पर छापेमारी की उस दौरान वहां कोई उपस्थित नहीं था। जांच के बाद ईडी ने उसे सील कर दिया। गौरतलब है कि राहू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है, लेकिन वह फरार है। न्यायालय ने भी राहू यादव की गिरफ्तारी में साहिबगंज पुलिस को ईडी का सहयोग करने को कहा है। उसके खिलाफ 4 बार समन जारी हो चुका है, लेकिन पूछताछ सिर्फ 2 दिन ही हो पाई है। खूंटी जिले के प्रभारी एसपी नौशाद आलम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तोरपा थाना क्षेत्र के चुरगी नदी के पास रांची से रनिया जाने वाली यात्री बस में छापेमारी कर प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 5 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया। तोरपा के अनुमंडल पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री आलम ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पीएलएफआई का एक सक्रिय नक्सली किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए अवैध अग्नियास्त्र के साथ रांची से बस से रनिया की तरफ जा रहा है। वहां से कुछ लोगों को कलेक्ट करेंगे और आनंदपुर हम लोगों का बॉर्डर लगता है, चाईबासा का हम लोगों का बॉर्डर लगता है। आनंदपुर में एक जमीन कारोबारी है, उनसे जमीन का विवाद है, उस आदमी को इन लोगों को हत्या करना था। इतनी पक्की सूचना हमने एसडीपीओ तोरपा के नेतृत्व में, लोकल थानेदार इंस्पेक्टर साहब हैं और लोकल ऑफिसर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और इन लोगों के अथक प्रयास से बस में जो व्यक्ति जा रहा था असलहे के साथ अर्जुन मुंडा की गिरफ्तारी हुई, जो सिकिदरी का, हम लोग कराची जिला का सिकिदरी थाना क्षेत्र का रहने वाला। आईजी पंकज कंपोज ने लोहरदगा जिले में पुलिस पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। हाल के दिनों में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाए जाने के बाद पुलिस विभाग की ओर से भी अलग अलग जिलों में अभियान तेज कर दिया गया है। ऐसे में लोहरदगा के आईजी पंकज कंबोज के आने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही लोहरदगा में भी नक्सलियों के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चल सकता है। गौरतलब है कि इसी वर्ष फरवरी महीने में लगातार 10 दिनों तक लोहरदगा में ऑपरेशन डबल बुल चलाया गया था। विसर्जन से क्या रहा, जो हम लोगों की सालाना प्रक्रिया है उसके तहत पुलिस लाइन का और पुलिस ऑफिस यानी एसपी ऑफिस का इंस्पेक्शन था। आज एसपी ऑफिस का इंस्पेक्शन किया गया है, पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन हम लोग दोबारा करेंगे दूसरी डेट। सर लोहरदगा जिला बहुत सारे जो मामले हैं वो सब पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से ही नियंत्रित होते हैं, तो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में ही ये सारी शाखाएं आती हैं। नक्सल शाखा भी उसी में आती है, अपराध शाखा भी उसी में आती है, बहुत सारी शाखाएं हैं, अभियोजन शाखा भी उसी में आती है, तो ओवरऑल हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 56 पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव पद पर प्रोन्नति दे दी है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 9 प्रोन्नति पदाधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान लेवल 13 का लाभ मिलेगा। प्रोन्नति प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों को झारखंड सेवा संहिता के नियम 58 तथा झारखंड वित्त नियमावली के नियम 74 के आलोक में 9 प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नति पद का वास्तविक लाभ एवं अन्य सुविधा पद स्थापित या पद ग्रहण की तिथि से देय होगी। लातेहार जिले के बालूमात में तंत्र की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन द्वारा एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की। इसके बाद परिजन शव को ठेले पर लादकर अपने घर ले गए। रेलवे की माल ढुलाई और आय में इस वर्ष अप्रैल से नवंबर के बीच वृद्धि दर्ज की गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में माल ढुलाई में 8% वृद्धि हुई। इस दौरान 978.72 मीट्रिक टन की माल ढुलाई की गई। इस अवधि में माल ढुलाई से 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिला, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल रांची में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान एवं फाइलेरिया और कालाजार के कम्युनिकेशन कैंपेन का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जन समुदाय की भागीदारी जरूरी है। इन दोनों रोगों से मुक्ति के लिए मिशन मोड में काम करना जरूरी है। सर इधर
जो अभी भी कालाजार के प्रकोप में है। ये अलग सी बात है कि उसमें लगातार निरंतर गिरावट आ रही है और हम कालाजार के विरुद्ध सख्ती से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे राज्य के 7 ऐसे जिले हैं जिसमें अभी भी फाइलेरिया का प्रकोप है। एक मक्खी से जनित बीमारी है, एक मच्छर से जनित बीमारी है और दोनों ही बीमारियों का समाज में स्प्रेड नहीं हो, इसके लिए लोगों से निवेदन करते हैं कि इसके विरुद्ध में जो हमारी सरकार अभियान चला रही है, उस अभियान में MCD में जुड़े। भारत ने कल G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। इस अवसर पर देश भर में 100 स्मारकों को रोशन किया गया। G20 लोगों के साथ रंग बिरंगी लाइटों से ये स्मारक जगमगा हो उठे। सांची के स्तूप और खुजराहो के मंदिरों को भी रोशन किया गया। केंद्र सरकार ने FM रेडियो चैनलों से मादक पदार्थों, हथियारों, गैंगस्टर और बंदूकों का प्रचार करने वाले विभिन्न गीतों का प्रसारण बंद करने को कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन है। इस प्रकार के उल्लंघन पर नियमों और शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय तक कोडरमा जिले में जमे कई सरकारी डॉक्टर मुन्ना भाई वाली करतूत सामने आई है। कई महीने पहले ही इन डॉक्टरों का कोडरमा से दूसरे जिले में ट्रांसफर हो चुका है। बावजूद इसके ये लोग अभी तक बायोमेट्रिक हाजिरी कोडरमा जिले से ही बना रहे हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कोडरमा से बायोमेट्रिक के जरिए दूसरे जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले 12 चिकित्सकों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय को सूचित किया है। और कुछ तो और भी ऐसे हैं जो लोग अन्यत्र पोस्टेड हैं और बायोमेट्रिक अटेंडेंस कोडरमा में या तो सदर अस्पताल के TB यूनिट में बनाते हैं या किसी PHC में जाकर बनाते हैं। तो ऐसे सभी डॉक्टर्स को चिन्हित करके हम लोग विभाग को सूचना भेजे हैं ताकि कम से कम जो डॉक्टर जिस जिले में पोस्टेड है उस जिले में ही अटेंडेंस बनाए, उस जिले में अपना योगदान दे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन इस विराम के बाद। मैं 18 साल की हो गई पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया, उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ, वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ से क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान ना करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़। मैं 18 साल की हो गई पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया, उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ, वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ से क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम ना जोड़ने से मतदान ना करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़े। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें जारी कर दी हैं। ICSE की 10वीं और ISE की 12वीं की वार्षिक परीक्षा फरवरी में आयोजित की जाएगी। 2023 में ICSE की 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 29 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी, वहीं कक्षा 12 की परीक्षाएं 13 फरवरी से 31 मार्च के बीच आयोजित की जाएंगी। डेटशीट जारी होने के साथ छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर सब्जेक्ट्स वाइज टाइम टेबल देख सकते हैं। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण राज्य में कनकनी बढ़ गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्यभर के तापमान में प्रतिदिन गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र के अनुसार अगले 36 घंटों में राज्यभर में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष काजल यादव एवं सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी, रुचि तथा मिनिहाजुल हक ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जोभा मांझी भी उपस्थित थी। देवघर में नगर निगम के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर बाजार समिति में छापा मारकर एक मिनी ट्रक समेत इस पर लदा थर्मोकोल से तैयार थाली जब्त किया। जब्त थर्मोकोल का वजन 500 किलो से ज्यादा है, जो कोलकाता से देवघर लाया गया था। पूर्वी सिंहभूम में टाटा स्टील के सौजन्य से प्राप्त हेलमेट को पुलिस केंद्र गोलमुरी में पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मियों के बीच वितरित किए गए। रांची रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा प्रेस नोट जारी कर कहा गया कि रिम्स में 4 माह से रिएजेंट खत्म एवं जांच बंद होने की खबर की सत्यता प्रमाणित होने के लिए प्रबंधन से कोई संपर्क नहीं किया गया। यह रिम्स की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता के ट्विटर हैंडल पर 50,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, जिस पर उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए लोगों का आभार व्यक्त किया है। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त आतंकवाद निरोधी दस्ता की टाइमिंग और रिस्पांस जांच के लिए एक सफल मॉक ड्रिल किया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति से ठीक ढंग से निपटा जा सके। रिम्स के प्रशासनिक भवन के सामने मल्टी लेवल पार्किंग में मनरेगा वार्ड की शुरुआत की गई। इस वार्ड के शुरू होने से मरीजों को काफी फायदा होगा। रांची नगर निगम की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने सिवरेज ड्रेनेज योजना फेज एक की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 2015 में सिवरेज ड्रेनेज फेज एक का कार्य शुरू हुआ था। कुल 167 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाना था। मेयर ने कहा कि राज्य सरकार सिवरेज ड्रेनेज योजना फेज एक का कार्य पूरा करने के लिए रांची नगर निगम को पैसा नहीं दे रही है। फंड के अभाव में काम लंबित है। एचईसी के कार्यवाहक सीएमडी से वार्ता विफल होने के बाद अधिकारियों ने बकाया वेतन भुगतान और अन्य मांगों को लेकर एचईसी परिसर में विभिन्न जगहों पर मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। तमाड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में समावेशी सप्ताह के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जनसमूह को अभियान के तहत मतदाता सूची में निबंधन कराने के लिए चीपी बांदडीह गांव में शिविर का आयोजन किया गया, साथ ही समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जुड़ने का निर्देश दिया। रांची पहाड़ी मंदिर मुख्य मार्ग में पड़ने वाले सैकड़ों साल पुराने प्राचीन महावीर मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश सिंह के नेतृत्व में लोगों ने मंदिर का जायजा लिया एवं यथाशीघ्र मुहूर्त दिखाकर मंदिर के जीर्णोद्वार कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया। साथ ही अन्य छोटे मंदिरों का भी जीर्णोद्वार किया जाएगा। नवंबर में सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,45,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। यह लगातार नवा महीना है जब मासिक जीएसटी संग्रह 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। इस साल नवंबर महीने में जीएसटी राजस्व पिछले साल के समान महीने के मुकाबले 11% अधिक है। नवंबर 2022 में ये 1,31,526 करोड़ रुपए था। काशी तमिल संगमम के छठे जत्थे के रूप में शिक्षकों का समूह आया है। इसे लेकर काशी के शिक्षकों में काफी उत्साह है। शिक्षकों में चूंकि खुशी की लहर है, उत्साह है। शिक्षक प्लेटफॉर्म पे गए, स्टेशन पे गए, उनका स्वागत करने के लिए परंपरागत तरीके से स्वागत किया। हमारे साथ कुलपति हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, ये भी शिक्षक हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी। ये शिक्षकों का जो दल आया है सर, समूह आया है काशी में, आप लोग सर इसको कैसे देखते हैं? और काशी विद्यापीठ चूंकि शिक्षकों की यहाँ पे संख्या है, तो इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है, जो ये हमारा काशी तमिल संगमम शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत एक राजनीतिक परिदृश्य से हुई, जिसमें हमारे अपने सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी और वहाँ के अलैया राजा जी और ये सारे लोग आए जो वहाँ से राज्यसभा के सांसद हैं, और एक सांझे प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो हमारी कॉमन चीजें हैं काशी की, पूर्वांचल की और तमिल की, और उनका विगत काल में क्या क्या संबंध रहा है, इन चीजों को हाईलाइट किया गया। उसी के साथ साथ जो एक समन्वय शुरू हुआ, शैक्षणिक समन्वय, उसमें पहली सोपान में कला का समन्वय हुआ। जो हमारे कलाकार थे, हमारे बनारस के कलाकार थे, वो कलाकार वहां के थे, उनके बीच की एक तालमेल जुगलबंदी चली।
तीसरे सोपान में हमारे वहां के कुछ विद्यार्थी आए हुए थे, उन्होंने इंटरेक्शन किया। वो इंटरेक्शन देखिए काशी विद्यापीठ के स्तर पे भी रहा, बच्चों यहां तक के जो हमने पुस्तक प्रदर्शनी लगाई थी इस अवसर पे तमिल साहित्य से संबंधित, कुछ विद्यार्थी आके वहां तक भी आए और उन्होंने हमारे काशी विद्यापीठ की जो धरोहर है, जो हमारे इतिहास है, उसमें भी अपनी काफी अभिरुचि दिखाई। और अब ये तीसरा जो काम कल हम उसी अपनी एक दूसरा कार्यक्रम हमारा चल रहा था भारतीय भाषाओं के ऊपर, उसी बीच में हमारे कुछ अध्यापकों ने ही ये बहुत बात पॉइंट आउट की कि आज 300 कुछ टीचर्स तमिलनाडु से आने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब एक ऐसी पॉजिटिविटी पैदा हुई है जो संभव कई लोग बार बार कहते हैं कि केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जिस तरह का आलाद यहां पे देखने को मिल रहा है और जिस तरह तमिल के विभिन्न लोग, वो भले ही कलाकार हों, राजनीतिक लोग हों या फिर हमारे अपने प्रदेश के राजनीतिक लोग हों, जिस तरह वो काशी विद्यापीठ को भी निरंतर इसके बीच में लेके आ रहे हैं, या हमारा मीडिया हो, मीडिया ने भी काशी विद्यापीठ को इस मामले में पूरा सहयोग दिया है। कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने नाक से दी जाने वाली विश्व की पहली और भारत निर्मित कोविड वैक्सीन को सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। यह 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जा सकेगी। जो कोविड शील्ड या कोवैक्सीन डोज के तौर पर ले चुका हो तो उसे भी ये विशेष इंटरनेशनल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थानों की समितियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि इस वैक्सीन के लिए उत्पाद विकास और क्लिनिकल परीक्षणों का खर्च कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने वहन किया। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा दिव्यांग एथलीटों को जागरूक करने के लिए आज संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। खेल विभाग में सचिव सुजाता चतुर्वेदी, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के एशिया ओशनेशिया क्षेत्रीय कार्यालय प्रबंधक केनी ली संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। नाडा ने दिव्यांग एथलीटों के लिए डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता पर व्यापक मॉड्यूल विकसित भी किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल से डीजी यात्रा ऐप की शुरुआत की। फिलहाल यह सेवा घरेलू विमान यात्रियों के लिए है। मिनिस्ट्री ने देश में पहली बार सिर्फ 3 एयरपोर्ट पर पेपरलेस डीजी जर्नी सर्विस शुरू की। इसमें यूपी से इकलौता एयरपोर्ट वाराणसी है। इस हाईटेक सर्विस में आपका यानी पैसेंजर का चेहरा ही बोर्डिंग पास होगा। इसके अलावा पैसेंजर्स को बार बार डॉक्यूमेंट्स दिखाने और चेकिंग कराने के झंझट से राहत मिल जाएगी। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सफर कराते हैं महाराष्ट्र स्थित एलिफेंटा की गुफा का। ये है एलिफेंटा की गुफाएं जो महाराष्ट्र राज्य में मुंबई बंदरगाह के घारापुरी यानी गुफाओं के शहर में हैं। ये गुफाएं एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। ये बेहद खूबसूरत और दर्शनीय एलिफेंटा की गुफाएं मध्ययुगीन काल से रॉक कट कला और बेहतरीन वास्तुकला का एक शानदार नमूना पेश करती हैं। एलिफेंटा गुफा को मूल रूप से घारपुरची लेनी के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं से मिलकर बनी हैं। 5वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान बनी इस गुफा में मंदिर का अधिकांश भाग भगवान शंकर को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफाओं को 2 समूह में बांटा गया है, जिसका पहला भाग हिंदू धर्म से संबंधित 5 गुफाओं में बटा हुआ है, जबकि दूसरा भाग बौद्ध धर्म से संबंधित 2 गुफाओं का एक समूह है। एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में साल 1987 में शामिल किया गया था। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एक शानदार नौका यात्रा के जरिए एलिफेंटा की गुफा तक पहुंचना आपके लिए एक शानदार अनुभव होगा।
एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महानगर के पास स्थित पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षण केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। महज 5 साल 7 महीने के रांची के एक बच्चे ने अपने हुनर से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराकर घर परिवार का नाम रोशन करने के साथ समाज में एक मिसाल कायम की है। रांची के रहने वाले यजत नरसरिया एक ऐसे बच्चे बन गए हैं जिनका नाम लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किड्स एडिशन में दर्ज हो गया है। यजत की उम्र लगभग 5.5 साल की है। छोटी सी उम्र में यजत ने मात्र 25 सेकंड में एशिया के 48 देशों के नाम और उनके झंडे को पहचान कर इस उपलब्धि को अपने नाम किया है। क्योंकि मैंने 48 कंट्रीज का नाम 25 सेकंड्स में बता दिया फ्लैग रिकॉग्नाइज करके। इलाज़ ना जवान शेष अदर बेल्स अफगानिस्तान बारे मालूम बताने को बोलियो हांगकांग दोनों शान अंदर आज़ाद ले जॉर्डन कजाकिस्तान किर्गिस्तान कुबेत लाओस लंदन मॉल्डीव म्यांमार मंगोलिया नेपाल नॉर्थ कोरिया ओमान पाकिस्तान फिलीपींस कतार पाकिस्तान सिंगापुर सीरिया साउथ कोरिया का ताइवान तिरनान थाईलैंड टर्की तुर्कमेनिस्तान यूएई उज़्बेकिस्तान वियतनाम यमन जॉर्जिया तिमोर लेस्ते। यजत की मां स्नेहा बताती हैं कि न्यूज चैनल और स्पोर्ट्स चैनल देखकर इतने देशों के नाम और उनके झंडे को पहचानना शुरू किया। बच्चे की इस प्रतिभा को देखकर मां ने प्रैक्टिस कराना शुरू किया और उपलब्धि आज बच्चे के नाम से जुड़ गई है। इस चैनल पे कुछ आता था किसी कंट्री के बारे में या मैच भी होता था तो उसमें फ्लैग्स दिखाते हैं नीचे, तो बच्चा फ्लैग देखकर यजत फ्लैग देखकर पहचान लेता था कि मम्मा ये कंट्री ये वाला कंट्री है, इसका कंट्री का नाम ये है। तो फिर हमें लगा कि बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए इस चीज में और फिर हमने एशिया के सारे फ्लैग्स का इन्हें प्रैक्टिस करवाया यजत को। छोटी सी उम्र में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके यजत बड़े होकर खेल की दुनिया में या फिर व्यापार जगत में अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं। जिस चीज में भी इनका इंटरेस्ट रहेगा, बिजनेस का भी इनको काफी रहता है कि मैं ये बिजनेस करूंगा वो करूंगा, अभी से कहते हैं मामा मैं बड़ा होकर ये बिजनेस करना चाहता हूं, तो जिस चीज में इनका इंटरेस्ट रहेगा यजत का उसमें ही इनको आगे बढ़ाएंगे। हर बच्चे के अंदर किसी न किसी प्रकार की अलग प्रतिभा छिपी हुई रहती है। जरूरत है अभिभावकों को बच्चे के अंदर की प्रतिभा को पहचानने की और उसे निखारने की। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर सरायकेला में 4 दिसंबर को मेगा स्वास्थ्य मेले का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी की सहभागिता पर दिया जोर। भ्रष्टाचार पर ईडी का कड़ा प्रहार। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की 82 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियां अस्थायी तौर पर जब्त। खूंटी से पीएलएफआई के 5 नक्सली गिरफ्तार। आईजी पंकज कंपोज ने लोहरदगा में पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। ऑपरेशन डबल बोल की तर्ज पर फिर चल सकता है अभियान। और नवंबर में जीएसटी संग्रह रहा 1,45,000 करोड़ रुपए से अधिक। लगातार 9वें महीने मासिक जीएसटी संग्रह 1,40,000 करोड़ रुपए के पार।